डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। अनामिका शुक्ला, इस नाम को आप इन दिनों खूब सुन रहे होंगे। हालांकि इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, लेकिन आज आपको इस पूरे प्रकरण के बारे में बताते हैं। मामला दरअसल कुछ ऐसा था कि 6 जून को कासगंज पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया जो अनामिका शुक्ला के दस्तावेज पर कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान के शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रही थी। जब वो गिरफ्तार हुई तो उसने बताया कि मैनपुरी के राज नाम के युवक ने उससे 1.5 लाख रुपए लेकर दस्तावेज दिए थे, उनके आधार पर वो नौकरी कर रही थी, जबकि उसके मूल दस्तावेज युवक ने खुद अपने पास रखे थे। पुलिस पूछताछ करती रही, रोज नई नई बातें सामने आती रही और ऐसे में युवती ने भी अपना असली नाम बता दिया। हालांकि इससे पहले युवती ने तरह तरह के नाम बताए, लेकिन जो उसका असली नाम था वो था सुप्रिया, यानी कि अब तक वो नकली नाम यानी कि अनामिका नाम से नौकरी कर रही थी। पकड़ी गई लड़की सुप्रिया फरुखाबाद जिले के लखनपुर की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नकली नाम और दस्तावेज से ये लड़की नौकरी कब से कर रही थी? दरअसल गिरफ्तार शिक्षिका ने अनामिका शुक्ला के दस्तावेज से अगस्त 2018 में 71.89% कट ऑफ मेरिट के साथ आधार पर नौकरी पाई थी। अब तक की जांच में यह पाया गया कि वो दस्तावेज अनामिका शुक्ला के कासगंज में लगे हैं, लेकिन उन्हीं समान अंकों के शैक्षिक दस्तावेज बाकी 24 जिलों में भी हैं। शिक्षिका की गिरफ्तारी के बाद उसका बैंक खाता सीज कर दिया गया। उसका खाता इलाहाबाद बैंक की कासगंज शाखा में था। 2018 से लेकर अब तक की बैंक डिटेल शिक्षा विभाग ने निकलवाई है। नौकरी के नाम पर जालसाजों ने अनामिका शुक्ला उर्फ प्रिया उर्फ सुप्रिया से 1 लाख रुपए लिए थे। इसके लिए उसके पिता ने 50,000 रुपए में अपनी भैंस बेची थी। गिरफ्तार जालसाज यानी मास्टरमाइंड राज से जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि फर्जीवाड़े का खेल 7 साल से मैनपुरी सहित कई जिलों में चल रहा है। इन 7 सालों में अलीगढ़, सहारनपुर, रायबरेली सहित कई जिलों में जालसाजों ने फर्जी नियुक्तियां कराई। इतना ही नहीं, ऐसी कितनी ही अनामिका निकली है। मतलब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सहारनपुर में अनामिका शुक्ला के नाम पर भावना नाम की लड़की नौकरी कर रही थी। प्रयागराज में अनामिका के नाम से फरुखाबाद की रीना नौकरी कर रही थी। अलीगढ़ से एक और अनामिका शुक्ला गिरफ्तार हुई। कुल मिलाकर गोरखपुर में 11 अनामिका अब तक बर्खास्त हुई और अब भी कई कतार में। हालांकि ये वाकई अपने आप में एक हैरान करने वाला मामला है, जिसमें राज्य सरकार के स्कूलों में एक महिला अनामिका शुक्ला के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर एक फर्जी अनामिका शुक्ला ने कई स्कूलों में नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब आप पूछेंगे कि असली अनामिका शुक्ला कहां है और कौन है, तो आपको ये भी बता दें कि असली अनामिका शुक्ला ने पात्रता परीक्षा पास की थी, लेकिन कुछ निजी वजहें थी जिस वजह से उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की और फर्जी अनामिका शुक्ला ने उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लिया और नौकरी हासिल कर ली। तो ये था पूरा अनामिका शुक्ला प्रकरण। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।